Assalamualaikum and hey friends, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. So friends, आप ना मेरे बालों को अवॉइड करें क्योंकि मैं अभी भी नींद से उठी हूँ, तो मैंने कोई कॉम्ब वगैरह नहीं की और आज मैं वीडियो कर रही हूँ कितने दिन बाद, 3 दिन बाद. और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आपकी वीडियो नहीं आ रही, मेरी फैमिली पूछ रही थी वीडियो नहीं आ रही, फिर मतलब बहुत सारे लोग कंसर्न थे कि वीडियो नहीं आ रही नहीं आ रही. तो वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि रमज़ान में इतनी सुस्ती चढ़ रही थी कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाई और डेली व्लॉगिंग करती थी, तो उस वजह से मेरा बहुत लॉस हुआ मेरे पढ़ाई का. और उसके अलावा रमज़ान से पहले वायरस वायरस के चक्कर में पूरा सुस्ती सुस्ती चढ़ रही थी, क्लासेस नहीं हो रही थी सही से. तो अभी अचानक से क्लासेस स्टार्ट हो गई है, प्रोजेक्ट्स बहुत सर पे आ गए, मास्टर्स है, थीसिस करना है, तो इसलिए ना मैं बहुत ही बिजी हो गई थी आजकल. इसलिए मैं व्लॉगिंग अभी डेली बेसिस पे नहीं करूँगी, लेकिन कुछ कुछ दिन छोड़ के करूँगी. तो बस मेरे वीडियोज़ का वेट करें, थैंक यू सो मच. और अभी सबसे पहले जो है वो मैं नाश्ता करूँगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है. सो बाय बाय. नाश्ता है वो मेरा कॉर्नफ्लेक्स से स्टार्ट होता है और बहुत ही मज़े का होता है, मज़े का. ये एक कप, और इसको ना और मज़े का बनाने के लिए मैं इसमें नट्स डालती हूँ. मेरे बादाम और वो ख़त्म हो गए हैं इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ. ये भी बड़े टेस्टी होते हैं, ये वाले सीड्स, पम्पकिन सीड्स और ये सनफ्लावर. तो ये इसको ना योगर्ट के साथ खाती थी, वो बड़ा टेस्टी होता है, लेकिन अभी मैंने फिर दूध के साथ फिर से स्टार्ट किया है. तो ये रेडी, माशाल्लाह माशाल्लाह. तो हमेशा मैं खाने से पहले, नाश्ते से पहले डेली वेट चेक करती हूँ कि मेरा वेट आखिर कितना है. तो अभी वाह, 57 हो गया है. पहले लास्ट टाइम मैंने चेक किया था 58 था, मुझे 55 करना है. सो 2 किलो, यस आई कैन डू दिस. तो अभी है नाश्ता टाइम. ये कॉर्नफ्लेक्स बहुत मीठे मीठे हैं, मज़े के. तो अभी ना नाश्ता करने के बाद ही अचानक से बारिश हो गई, मुझे बाहर जाना था लेकिन नहीं जा पाई. तो मैंने सोचा कि अभी क्या करूं, तो बहुत दिनों से मेरे नाक में जो है वो इधर से ब्लैक हेड्स हैं बहुत सारे, और अभी मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा कि पूरा फेस स्क्रब करूं, साफ करूं, क्लिनजिंग करूं. तो इसलिए मेरे पास ना ये एक चीज़ थी जो कि बहुत टाइम से पड़ी थी, ये है जेजू वॉल्केनिक लावा, जिसके ना 3 स्टेप्स होते हैं जो कि नाक के जो सीबम से उसको सबसे पहले सॉफ्ट कर देता है, और फिर पोर जो ब्लैक हेड्स है वो निकलते हैं 2nd स्टेप में, और 3rd स्टेप में जो है वो पोर्स टाइट हो जाते हैं. तो 3 स्टेप्स में मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया. सो टुडे इज़ द टाइम, लेट्स यूज इट. और ये ना द फेस शॉप ब्रांड है उसका है, ठीक है, ये उसका लोगो. तो बारिश का साउंड बहुत मज़े का आ रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ा सफाई की जाए. और सबसे पहला जो है वो ये है, मेरे कपड़ों में गिर गया इसका पानी. जो चीजें वो फेंकते नहीं है, और अंदर इधर ना एक सॉफ्ट सा पार्ट है ये वाला, जो के कितना सॉफ्ट है. ऐसे सबसे पहले ये ना ऐसे करके नाक में लगा देना है. ये हो गया डन, और इसको थोड़ी देर के लिए रखना है, फिर बाद वाले स्टेप में आते हैं, ठीक है. तो ये जो स्ट्रिप है ये लिखा हुआ है 15 to 20 मिनट्स तक लगानी है, बहुत ही लंबा टाइम है. तो मैं इसलिए अपनी कॉफ़ी लेके आई हूँ क्योंकि मुझे ना कॉफ़ी चाहिए होती है, मतलब नाश्ते के बाद. और जी फ्रेंड्स, तो आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं. और आपको पता है मैंने नेटफ्लिक्स पर इतना, मतलब इतना रमज़ान से पहले ही मतलब नेटफ्लिक्स की बहुत सारी सीरीज, ड्रामास, बहुत सारे देख देख के ख़त्म कर दिए हैं बहुत सारी चीज़ें, मतलब अच्छे अच्छे जो होते हैं. तो आप लोग ना मुझे कुछ रिकमेंड करें, कोई ऐसा ड्रामा हो जो कि एडवेंचरस हो या कोई मतलब मज़ा हो, बहुत मज़े का ड्रामा लगा हो आपको, वो रिकमेंड करें ताकि मैं भी देखूँ. और उसके अलावा मुझे ना वो रिकमेंड करें, क्या कहते हैं, हॉरर मूवीज़ जो हैं वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आता है हॉरर मूवीज़ देखने में. तो मैंने ऑलरेडी हॉरर मूवीज़ भी बहुत सारी देखी हुई है, तो किसी भी कंट्री की मूवी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आप लोग मुझे हॉरर मूवीज़ भी ज़रूर रिकमेंड करें, और मैं आपके कमेंट्स से फिर वो पढ़ूंगी और सॉरी देखूंगी, और फिर इंस्टाग्राम में पोस्ट करूंगी अगर मुझे आपकी कोई मूवी अच्छी लगी, ठीक है. तो अभी ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स हो गए हैं, लेट्स रिमूव दिस. और ये जो इसमें कुछ लगा हुआ है मटीरियल वो हटा देना है टिश्यू से.
B step 2. ये तो I know कि ये क्या है. ये जो है वो नाक को हम ना पहले गीला करेंगे उसके बाद लगाएंगे. जो टिश्यू है मैंने इसमें गर्म पानी लगा के आया है तो इसमें ना अभी ये वार्म हो गया है तो थोड़ी सेकंड के लिए नाक को हम लोग बंद कर देंगे. नाक बंद नहीं करना, मजाक कर रहे हो, सच में ना बंद कर लो. इसको जस्ट वार्म करना है थोड़ा सा. इसको हम लगा देंगे ये ब्लैक वाला पार्ट जो है वो. बेस्ट होगा अगर आप ना इधर पानी लगाएं नाक में और फिर इसको ऊपर से लगाएं तो ये अच्छे से चिपक जाता है. तो ये ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है. मतलब नाक ऐसे भी नहीं कर सकते आप लोग, इतना हार्ड हो जाता है तो पता लग जाता है ये ड्राई है. और ये जो चीज़ है ना ये लड़के लड़कियां दोनों लगा सकते हैं क्योंकि ये तो हर किसी को ही ब्लैकर्स निकलते हैं, इसमें लड़कियों का नाम नहीं लिखा हुआ तो इसलिए अभी ना इसको उतारते हैं. और ये उतारने के टाइम बहुत दर्द होता है लेकिन उतारना पड़ेगा धीरे धीरे. इधर से एक साइड से पकड़ के आओ ओह माय गॉड. अभी आप लोग को दिखेगा भी नहीं लेकिन मुझे चेक करने दीजिए. मैं इसको जूम करके बाद में वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ. तो ये देखो यार वाइट हेड्स हैं ये सारे. तो अभी लास्ट है थर्ड स्टेप और मुझे पता नहीं था इसमें इतना टाइम लगेगा क्योंकि 15-15 मिनट तक हर चीज़ रखनी थी तो मैंने सोचा कि मैं ये से कर दूंगी 5 मिनट में लेकिन टाइम लगा बहुत. तो अभी जो लास्ट स्टेप है वो ये है जिससे जो हमारे पोर्स खुल गए ना वो टाइट हो जाएंगे और ये अंदर से सेम फर्स्ट वाले स्टेप की तरह ही स्ट्रिप निकलेगा ये वाला. ठीक है तो ये जस्ट लगाना है और कुछ नहीं. तो अभी इसको भी ना 10 मिनट तक रखना है और बस खत्म. तो अभी 20 मिनट्स हो गए एंड लेट्स रिमूव इट. क्लीन साफ साफ इसको फेंकना है एंड यस. तो अभी मैं साइकिलिंग करके जा रही हूँ एक इम्पोर्टेंट काम से और वेदर बहुत ही अच्छा था. अभी ना मैंने मास्क उतारा है थोड़ी देर के लिए. वो बिल्डिंग देखे पीछे कितनी प्यारी है. तो अभी मैं जो है ना वो बाहर आई हूँ साइकिलिंग करके एक जगह पे जो कि बाय वॉक 30 मिनट्स लगते हैं लेकिन साइकिलिंग में 10-15 मिनट. तो यहाँ से सब्ज़ी लेने आई हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे सब्ज़ी बहुत सस्ती मिलती है. बहुत पैसों की मेरी सेविंग होती है और जो जो स्टूडेंट्स कोरिया में रहते हैं वो मार्ट वगैरह से लेना बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है अगर स्पेशली आप सेल्फ पे पढ़ाई कर रहे हो. तो पैसे बचाने के लिए मैं इधर आई हूँ. बस भी नहीं ली मैंने, साइकिलिंग करके आई हूँ और मास्क थोड़ी देर के लिए उतारा है क्योंकि आसपास कोई नहीं है. तो बस मैं इधर आ गई हूँ, आपको जगह दिखाती हूँ और अगर आप लोग कोरिया में रहते हैं तो आप लोग देख लें इस जगहों पे सस्ती सब्जी मिलती है फ्रेश और अच्छी क्वालिटी की भी होती है. और उसके अलावा मैंने 3 किलोमीटर साइकिलिंग करके आई हूँ और जिस जगह पे मैं अभी जाऊँगी वहाँ पे बहुत रश होती है, बहुत लोग होते हैं. सो मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली टू मास्क. सो लेट्स गो. ये जगह वॉल्गो के स्टेशन में होम प्लेस के अपोजिट में ही. और आप देखिए यार कितनी रश है, मतलब इतनी चीप सब्जियां मिलती हैं कि मैं भी इधर से माशाल्लाह से बहुत सब्जियां उठा लूंगी. 1000. गई हूँ और ये माशाल्लाह से सारी सब्जी जो है वो $10 तक आई थी. और अगर नॉर्मली मार्ट से लेती तो $20-30 तक आ जाता क्योंकि बहुत बहुत एक्सपेंसिव होता है मार्ट. सो आई एम सो हैप्पी. अभी सारे को ना मैं साफ ऑफ करके फ्रिज में रख दूंगी और मेरी अभी 2 बजे क्लास होने वाली है. टाइम हो गया है. सो बाय बाय. अंगूर माशाल्लाह माशाल्लाह देखो कितना प्यारा प्यारा अंगूर है और जस्ट ओनली $3 माशाल्लाह. तो ये सारी जो सब्जी है वो क्लीन और फ्रूट भी क्लीन. और अभी जो है वो मैं ना मेरे लिए खाना निकालूंगी. मेरे पास 2 डिशेस हैं. क्या यार खुल क्यों नहीं रहा. ये मैंने कल पकाई थी दाल कल रात को और आज का दिन मैं खाऊंगी दाल.
ये बहुत ही मज़े की दाल पकाई थी मैंने, बहुत ही टेस्टी हुई थी, कल खाई थी। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है चिकन शशलिक, ये भी मैंने कल पकाया था और बहुत बहुत टेस्टी हुआ था। अब इसको भी गर्म करेंगे ओवन के अंदर 1 to 2 मिनट्स। ये पाकिस्तानी सिंधी छब्बी और इसके अंदर है गरम गरम रोटी। तो अभी ना मेरी एक क्लास जो है वो पूरी हो गई और 2 बजे शुरू हुई थी, अभी 4 बजे हैं और 4 बजे आफ्टर 7 मिनट्स एक और क्लास है। और मुझे इतनी नींद आ रही है यार, मतलब घर में ऐसे बेड पे बैठ के क्लास करो तो और भी नींद आएगी, उधर जाते हैं तब तो नींद आती ही है, इधर तो मतलब और भी नींद आ रही है। लेकिन क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्लास करनी पड़ेगी। और मैं कोई मेकअप वेकअप भी नहीं किया क्योंकि कंप्यूटर की कैमरा माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, पर मुंह पूरा साफ क्लीन दिखता है उस वीडियो कॉल में, तो ज़रूरत नहीं है कोई मेकअप करने की। और बस ठीक है, जैसे भी हैं हम हैं ऐसे ही। मेरी सारी पढ़ाई जो है वो कोरियन लैंग्वेज में ही होती है, लेकिन स्पेशली ये क्लास जो है फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ये इंग्लिश में होती है। सो आप देखें। अन्योन्सेयो, हाय। Hi, how are you doing? I'm doing good. How are you? Oh my God, you have paintings behind you. It's kitchen. Yeah. My sister came to my studio, and then she's a fashion designer and fashion design teaching professor. And she was doing the quarantine. She was on the quarantine because she came from Los Angeles. Oh. So the quarantine for 2 weeks. Wow. This is so beautiful. She started working on this painting, so wow. We are full of your painting in my studio. Oh, yeah, you had to accept something like host disabled participant screen sharing again. Okay, that, okay. Sorry. That's okay. Yeah. So. अभी मेरी क्लासेस आर डॉन, ये इतना सुकून मिलता है, क्लासेस खत्म हो जाते हैं। और ना अभी मैंने पर्पल लिपस्टिक भी लगाई है जो कि दिख ही नहीं रही क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा मेकअप कर लूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में तैयार होकर आऊँगी, यार घर में इतना काम होता है तैयार होने का टाइम नहीं मिला। ओके, तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ फिर से। इमोन जो है उसको गले में तकलीफ है, इन्फ्लेमेशन है, पता नहीं क्या हुआ है, कुछ क्या वेदर की वजह से हुआ है क्या कुछ पता नहीं, तो इसलिए मैं अभी उसको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। क्यों? बिकॉज के वो ना बात नहीं कर पा रहा, उसको बोलने में तकलीफ हो रही है, तो इसलिए मैं उसके साथ जा रही हूँ। और ऊपर से डॉक्टर फिर कोरियन में बात करता है, डिटेल में बात करता है, तो इसलिए आई एम गोइंग विथ हिम। सो सब कुछ बता दिया आप लोगों को, अभी ना चलो मैं जा रही हूँ बाहर, ठीक है? आप लोगों को भी साथ लेके जाऊँगी। ये है हॉस्पिटल और इमोन इधर वेट करेगा, तो इसलिए मैं चेक। कैसे हो? ठीक हो? गले में दर्द है, बात मत करो, वेट वेट। काजी इमोन खाजी इमोन चला। डॉक्टर आयो, ये सर उसके मशीन के कैमरा 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 छुआयो कैमरा में डॉक्टर चेक करेगा इमोन का गला, कान भी चेक कर रहा है, कैमरा पहनेगा अपनी। अरे पे बोल रहे ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा, डॉक्टर अपनी दवाइयाँ लगाएगा। खराब लग रहा है? नाक के अंदर रोड घुसाया। चलो ठीक हो जाएगा, सब इमोन के लिए दुआ करें कि इमोन की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, अमीन। ठीक है? ये बड़ा मसला होता है, यहाँ पे पूरा कोरियन में बात करनी पड़ती है, इंग्लिश इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आती, बहुत मुश्किल है ये चीज़ करना, लेकिन हम लोग कर लेते हैं। और ये मेडिकल स्टोर और ये दवाइयाँ कोरियन में। सो लेट्स गो। अन्योन्सेयो। ओके, माशाल्लाह यार कितना खूबसूरत है ये देखो। तो अभी मैं घर आ गई, फाइनली सुकून मिल गया कपड़े वपड़े चेंज करके। और ये मेरी चाय, जो कि ना आज बड़ा सर में दर्द हो रहा है यार, इतना सारा इधर उछल कूद करना, काम वाम करना। और ये बिस्किट्स जो है वो मेरी नेपाली फ्रेंड्स देके गई थी, तो
बहुत टेस्टी, बहुत मजेदार, माशाल्लाह। बस अभी मैं यहीं से वीडियो की एंडिंग करती हूँ क्योंकि अभी शाम के बजे हैं 6। पूरी मुझे एडिटिंग वगैरह अभी करनी है, फिर मैं नमाज वमाज पढ़ के और फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, मूवी भी देखूँगी और फिर इंशाल्लाह कल से फिर से मेरी पढ़ाई शुरू, काम करूँगी, फिर कुछ दिन बाद व्लॉगिंग करूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, खुदा हाफिज़। फिलहाल हालत ख़राब है इसलिए मैं घर बैठी हूँ, नहीं तो थोड़े हालत ठीक हो फिर मैं आप लोगों को बाहर भी घुमाऊँगी, फिराऊँगी, इंजॉय कराएंगे, साथ में घूमेंगे। सो वेट करें तब तक के लिए। बाय बाय।